नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। बॉलीवुड में आए दिन नए नए खेल देखने को मिलते हैं। कभी किसी बड़ी हस्ती का बेटा ड्रग्स केस में नजर आता है, कभी किसी एक्ट्रेस के पति पर पोर्नोग्राफी के आरोप लगते हैं। अब एक बार फिर से बॉलीवुड में एक बड़ी हस्ती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वो और कोई नहीं बल्कि लत लग गई गर्ल जैकलिन फर्नांडिस है। जैकलिन फर्नांडिस पर ईडी का हंटर चल गया है। कैसे बड़ी जैकलिन की मुश्किलें, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ₹200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस दिल्ली के प्रवर्तन निदेशालय पहुंच गई है। आज उनसे इस मामले पर पूछताछ हुई। ईडी की ओर से दायर की गई चार्जशीट में इस बात की ओर साफ इशारा किया गया कि सुकेश ने जैकलिन पर पानी की तरह पैसा बहाया था। यहाँ तक कि ज्वेलरी, क्रॉकरी से लेकर इम्पोर्टेड पेट्स भी जैकलिन को गिफ्ट किए गए। अब सुकेश से यही नजदीक या जैकलिन के लिए गले की हड्डी बन गई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल सुकेश मामले में ईडी के अधिकारियों ने जैकलिन को दिल्ली स्थित कार्यालय बुलाया, जहां ईडी अधिकारियों ने सवालों की एक लंबी लिस्ट बना रखी थी। दरअसल ईडी के अनुसार जैकलिन और सुकेश के बीच जनवरी में बातचीत शुरू हुई। दोनों की तब भी बात होती थी जब वे तिहाड़ जेल में बंद थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने तकरीबन 7000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की, जिसमें जैकलिन समेत कई लोगों के नाम शामिल हैं। चार्जशीट में सामने आया कि सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन को 10 करोड़ रुपए के तोहफे दिए थे, जिसमें 4 पर्शियन बिल्लियां भी थी। इसमें से एक बिल्ली की कीमत 9 लाख रुपए है। साथ ही 52 लाख रुपए का एक घोड़ा भी गिफ्ट किया गया। सुकेश मामले में ईडी जैकलिन से 2 बार दिल्ली में पूछताछ कर चुकी है। इस दौरान वे खुद को ही ठगी का शिकार बता रही थी। सुकेश फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। इस मामले में अगली सुनवाई की 13 दिसंबर को तारीख रखी गई है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।